औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे अगेन आई एम हियर टू डिलीवर ए क्लास फ्रॉम क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड द टॉपिक इज ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ये बेगसा मंडा कबीले का एक आदमी था जिसको लोग देवता की तरह मानते थे। उसका विजन था कि एक ज़माना आएगा कि ये जो हिंदुस्तान गुलाम बना हुआ है, ये जो ट्राइबल पीपल्स पर ज़ुल्म हो रहे हैं, ये ख़त्म होंगे। तो उस एज का नाम उसने गोल्डन एज रखा था। गोल्डन एज यानी ये वो एज होगी, ये वो ज़माना होगा व्हेन द ट्राइबल्स विल बी नो नॉट ऑप्रेस्ड बाय अदर कलास बाय द रूलर्स। तो इसका हम दूसरा शुमारा पढ़ रहे हैं आज। हाउ डू ट्राइबल ग्रुप्स लिव। ये जो ट्राइबल पीपल थे वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से काम करते थे। बाय द 19th सेंचुरी, अगर हम 19वीं सदी की बात करें, ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। जो ट्राइबल पीपल थे हिंदुस्तान के, कबाइल लोग जो थे हिंदुस्तान के, वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस थे, वो अलग अलग काम करते थे। सम वर जिम कल्टिवेटर्स, सम ऑफ द बेटर जिम कल्ट दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। जिम कल्टिवेशन मीन्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इस कल्टिवेशन में क्या होता है कि ज़मींदार ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा पैच साफ करता है, उस पर जो दरख्त होते हैं उनको जलाकर उनको गिरा देता है, उसको साफ करता है, उसकी जो राख है वो उसी मिट्टी में मिला देता है ताकि मिट्टी फर्टाइल ज़रखेज़ होकर उस पर काश्त करता है। एक या दो साल वहाँ पर काश्त करने के बाद जब इस मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म होती है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी जगह तलाश करता है खेती बाड़ी के लिए, ज़िरात के लिए। वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर वो फिर कहीं पर जंगल का एक हिस्सा जलाता था, दरख्तों को जलाता था। जब वो जल कर राख हो जाते थे, नीचे गिर जाते थे, तो उस राख को उसी मिट्टी में मिलाकर उसको ज़रखेज़ बनाता था, फिर उस पर कल्टीवेशन करता था। दैट वाज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी एक साल वो एक जगह पर कल्टीवेशन करता था, इस ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, उसको छोड़कर दूसरी जगह की तलाश में निकलता था, वहाँ पर वो ज़िराअत करता था। दैट वाज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और द जिम कल्टीवेशन उसको कहा जाता था। सम ऑफ द प्रैक्टिस जिम कल्ट दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। ये जंगलों में होता था, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जंगल में जाकर ये लोग छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े साफ करते थे बाय फैलिंग एंड बर्निंग ट्रीज। दरख्तों को जलाता था वो, उसी राख को उसमें मिट्टी के साथ मिलाकर उसको फर्टाइल बनाकर उस पर फिर वो फसल उगाता था। एक बार जब ये फसल पक जाती थी वो काट देते थे, तो जब मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म होती थी तो वो दूसरी जगह चला और सेम यही काम फिर करते थे। ज़मीन का टुकड़ा तलाश करके वहाँ के जो पेड़ पौधे उनको काट देते थे, जला देते थे, तो वहाँ पर काश्त करते थे। दैट वाज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
और दूसरा ट्राइबल ग्रुप था, दे वर कॉल्ड हंटर गैदरर्स। ये वो लोग थे कबाइल जो जंगलों में घूम कर शिकार करते थे, जानवरों को मार कर उनका गोश्त खाते थे, उनका गोश्त खाते, उन्हें हंटर गैदरर्स कहा जाए। फार एग्जाम्पल हम ओरिसा खोंडा खोंडा वैसा चे कम्युनिटी इन एक ऐसा ही कबीला था, ट्राइबल कम्युनिटी थी जिन्हें खोंडाज कहा जाता था। वो ओरिसा में थे, वो लगातार जंगलों में जाकर बांट जाते, छोटी छोटी टोलियों में बांट जाते थे, शिकार करते थे और जंगली मेवे, जंगल की जो चीज़ खाने वाली, जंगलों में खाने वाली जो चीज़ उन्हें जमा करके लाते थे, उन्हें पका कर खाते थे। फ्राम द सीड्स ऑफ सॉल एंड महवा दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स। वो जंगल जाकर जंगली जड़ी बूटियों को लाते थे, लाकर उन्हें या जंगल से चीज़ें लाकर, जंगली चीज़ों लाकर उन्हें नीचे बाजारों में बेच देते थे और अपना रोज़गार कमाते थे। वैन दे नीड ए सप्लाई ऑफ कोसम एंड पलाश फलाश टू कलर दे क्लॉथ एंड लेदर। जब उन्हें जो चरन साजी का काम करते थे, जंगली जानवरों का शिकार कर उनके चमड़ों से जो उनका जो चमड़ा था उनसे चीज़ें बना, जब उन्हें उस चमड़े को पॉलिश करनी होती थी, उसके लिए उन्हें कौसम और पलाश के फूल चाहिए थे, तो वो कहाँ से, वो दे पीपल गेट देयर सप्लाइज ऑफ राइस एंड अदर। फ्राम वायर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाइज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। ये लेकिन जो कबाई लोग थे, जंगली लोग थे, ये कहाँ से अपने लिए चावल या बाकी चीज़ें लाते थे। एट टाइम दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग देयर वाट दे नीड इन रिटर्न फॉर दे अवेलेबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कभी कभार वो चीज़ों के बदले, जो बाटार सिस्टम उसके मुताबिक चीज़ों के बदले अपने यहाँ से अपनी कीमती चीज़ें जो जंगल से वो लाते थे, सब्जियाँ लाते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था, जड़ी बूटियाँ लाते थे जंगलों से, उन्हें बेच कर या उनके बदले में चीज़ें, खाने की चीज़ें लाते थे। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद अ स्मॉल अमाउंट अर्निंग्स दे हैड। कभी कभार वो बाजार से चीज़ें खरीद कर जो वो जो उन्होंने बचा कर रखी होती है, थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे होते थे, उन्हें लाकर उनके एवज अपना सामान लाते थे। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स, उनमें से कुछ ऑड काम कर रहे थे, इन विलेज कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग रोड्स। वो जिस्मानी काम करते थे, किसी का बोझा उठाते थे, सड़कें बनाते थे गाँव में जाकर। वाइल अदर्स लेबर इन द फील्ड्स पीजेंट्स, वो कुछ लोग किसानों के खेतों में काम करते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, जब ये जंगलों की जो जंगलों से जो चीज़ें बोला, जब वो ख़त्म हो गई, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वांडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबर्स। जो जंगलों में जो ये जो यहाँ तक लोग थे, उन्हें काम की तलाश में निकलना पड़ता था। जब उन्हें जंगलों से कुछ नहीं मिलता था, उनका जो उन्हें काम की तलाश में गाँव घूमना पड़ता था काम की तलाश में। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बलगान्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, अगर हम उनमें से बहुत, अगर हम बलगान्स की बात करें, भेगाज की, भेगाज जनूबी वस्ती हिंदुस्तान में एक कबाइल कौम था, उन्हें भेगाज कहा जाए। रिलक्टेंट टू वर्क फॉर अदर्स, वो तैयार नहीं थे दूसरों के लिए काम करने के लिए, वो तैयार नहीं थे। द बेगास एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, ये जो बेगास थे वो खुद को जंगली लोग कहते थे। हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, वो समझते थे कि हम सिर्फ जंगली चीज़ों पर जिंदा रह सकते हैं, यानी कि हम अपना गुजारा जंगलों में रह कर सकते। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ बेगा टू बिकम ए लेबर, ये उसकी इज्जत के खिलाफ होता था। अगर कोई बेगा कबीले का आदमी कहीं पर किसी के खेत में मजदूरी करता, गांव में मजदूरी करता था, तो वो उसके
शान के खिलाफ होता था। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकलिटी। कभी कभार ये जो ट्राइबल पीपल थे वो मजबूर होते थे कि बेचने और ख़रीदने के लिए जो चीज़ें थी जो आम जो नज़दीकी बाजार में नहीं मिलती थी उन्हें ख़रीदने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था। दिस लेड टू डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। लिहाजा क्या होता था, उन्हें जो ट्रेड ताजिक लोगों की ज़रूरत पड़ती थी या मनी लेंडर्स की जिनसे वो पैसा उधार लेते थे। मनी लेंडर्स गेव लोन्स विद विच द ट्राइबल मेट देयर कैश नीड्स। मनी लेंडर्स से वो पैसे लेते थे जिससे उन्हें नकदी जो पैसों की ज़रूरत थी वो होती थी, एडिंग टू दे व्हाट दे अर्नड उसके जो वो कमाते थे उसको जमा करने के। बट इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई। लेकिन जो सराफ होता था वो ऊँचे ब्याज पर ऊँचे सूद पर उन्हें कर्जे देता था। तो ये जो लोग होते थे ट्राइबल्स जो थे वो उन कर्ज़ों को नहीं चुका पाते थे। एक बार जब ये कर्ज़ों का सिलसिला शुरू होता था तो वो ज़िंदगी भर उसको नहीं चुका पाते थे। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफ मेंट डेबिट एंड पुअर्टी। लिहाजा इन ट्राइबल्स के लिए क्या था, मार्केट जो था, कॉमर्स जो था, जो वो चीज़ वो डेबिट कर्ज़दारी और गरीबी होती थी। यानी वो जब शराब से पैसे लेते तो वो उसके कर्ज़दार हो जाते थे, कर्ज चुकाते चुकाते वो गरीब बन जाते थे। दे डियर केम टू सी द मनी लेंडर ट्रेडर एज इवल आउटसाइडर एंड कॉज ऑफ देयर मिसरी। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सोचने लगे कि जो मनी लेंडर है या जो ताजर लोग हैं वो हमारी मुसीबत के कारण हैं, वही हमारी मुसीबत को बढ़ावा दे रहे हैं। इंशाल्लाह इसे आगे कल पढ़ेंगे। खुदा।